नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज हम एक और नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं गए हैं। तो बता दूं कौन सी जगह है वो? तो हम जा रहे हैं वायनाड। वायनाड इज एन अमेजिंग प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह है, केरला में है। एज यूजुअल हम थोड़ा लेट रन कर रहे हैं, तो आपको मैं टाइम का स्टैम्प दे देती हूँ। टाइम हो रहा है 7 बजा है एग्जैक्टली। ये हमारी सारी चीजें पैक्ड हैं, थोड़ा नाश्ता रख लिया है। नाश्ता क्या? फ्रूट्स है। ये ट्रॉली में हम तीनों के कपड़े, मेरा, इनका और विवान का, एंड हमारा लैपटॉप बैग एंड मेरा शोल्डर बैग। हम लोग सब फिट एंड फाइन, सब रेडी हो चुके हैं, तो हम फटाफट निकलेंगे और आपको जर्नी के बारे में डिटेल शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारे साथ बने रहिए। ये हमारी धन्नो बिल्कुल रेडी एकदम हमें वायनाड घुमाने के लिए, एकदम इसको क्लीन वीन करवा लिया है। बट यार बारिश के मौसम में कार ना बहुत गंदे हो जाते हैं। एंड ये अभी जी बैठे हुए ड्राइविंग सीट पे। नाउ इट्स माय टर्न टू गेट इन, विवान इज वेटिंग फॉर मी। चले तैयार, ऑल रेडी। हम निकल चुके हैं जस्ट अभी घर से। कांट होल्ड माय एक्साइटमेंट, तब मजा आ रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रिप एंड इट्स लाइक घूमना इज लाइक एट अ डिफरेंट लेवल। मतलब इतना रिलैक्स ना लगता नहीं है दुनिया में और कोई चीज कर सकता है जितना आप घूमने का आपका एहसास जो होता है वो करवाता है। तो इट्स अमेजिंग। ये नाइस रोड का टॉल। नाइस रोड इज डन, अब हम नाइस रोड का मजा उठाएंगे। ये रोड जो है मैसूर और बिताड़ी के तरफ हमें लेफ्ट से कट लेना है, जो कि 500 मीटर्स पे आएगा। ये हम मैसूर रोड के लिए एंटर कर चुके हैं। तो हम फटाफट टायर प्रेशर चेक भी करवा ले रहे हैं, थोड़ी कम है हमें लग रही है, तो हम चेक करवा के इसको फटाफट रिफिल करवा लेते हैं। फोक्स, इट्स रेनिंग और बारिश में ट्रैवल करने का अपना ही मजा है, एकदम मतलब धूप नहीं रहता है और अमेजिंग। देखिए काफी मजेदार वाली बारिश हो रही है। हम लोग अभी टाइम कुछ हो रहा है 8:16 और हमने अच्छा खासा मतलब अराउंड 50 किलोमीटर कवर कर लिया है और देखते हैं 9 के आसपास हम क्विकली कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, तो कुछ अच्छा ऑन द गो अगर मिल जाता है तो उस हिसाब से विल प्लान। देखिए क्योंकि बारिश का मौसम है तो कैसे एकदम ये जो पहाड़ है ना पूरे मिस्ट में ढके हुए हैं, जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है वो ब्यूटीफुली मिस्ट में ढका हुआ है और ग्रीनरी तो देखने में जो मजा आ रहा है ना यार, मतलब सब कुछ वॉश्ड क्लीन सुंदर लग रहा है एकदम मस्त, डस्ट का कोई नामो निशान तक नहीं है। सिल्क सिटी रामनगरा को हम बाय बाय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ खास होटल नहीं मिला है हमें। तो धीरज बाबू नाश्ता कब करवा रहे हो? देखते हैं कुछ अच्छा ढंग का मिल जाए, भूख तो थोड़ा लग रहा है मेरे को। हाँ सीरियसली सुबह जल्दी भी उठ गए थे ना एक्चुअली, तो वो बनता भी है कहीं अच्छा सा मिल जाए ना, तो हम फटाफट रुक के नाश्ता करेंगे और फिर बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चन्नापटना क्रॉस करते हुए बाय बाय चन्नापटना, लेकिन हमारी होटल अब तक नहीं मिली है तो हम वेट कर रहे हैं स्टिल। रामनगर पार हो गया, चन्नापटना पार हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, तो शायद वहां पे हमें मिल जाए, लेट्स सी। तीन चार घंटे के ड्राइव के बाद एक इस तरह की जगह पे, एंड दिस इज द प्लेस, होटल लेमन ग्रास। यहाँ साउथ इंडियन और
नॉर्थ इंडियन आपको जैसा भी खाना प्रेफर करना है ना आपको मिल जाएगा। हम तो जनरली इडली ही खाएंगे यार, बिकॉज वी लव ईटिंग साउथ इंडियन फूड। तो स्पेशली नाश्ते की अगर बात हो तो हम फटाफट यहाँ कुछ खाएंगे और फिर निकलते हैं। छोटा सा होटल है बस, मस्त वाला ये के बीच में है, अच्छा दिख रहा है। सेटअप तो काफी अच्छा है। तो ये गर्मा गर्म हमारा डोसा इज रेडी और हम इस पे टूट पड़ने वाले हैं। सो ये हमारी इडली रेडी है, डोसा हम खा रहे हैं ऑलरेडी। तो दिस इज इन फॉर द ब्रेकफास्ट, फटाफट ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। देखो सो मस्त वाला नाश्ता किया हमने और 191 किलोमीटर यहाँ से हमारी जर्नी अभी बाकी है। एंड टाइम स्टैम्प कुछ दिखा रहा है 1:30-2 के आसपास हम अपने रिजॉर्ट पे चेक इन कर पाएंगे, बाकी लेट्स सी कैसा होता है ना। वेलकम टू द हेरिटेज सिटी मैसूर एंड ट्रूली इट इज हेरिटेज सिटी। सो हम मनेवाड़ा रिंग रोड में एंटर किए हैं। तो मैसूर रोड में आते आते ना एक लेफ्ट टर्न प्रॉम्प्ट करेगा आपको एंड वो लेफ्ट हमें लेना रहता है और वो लेफ्ट में एंटर करने पर हम ये रिंग रोड में आ चुके हैं। हे सो एक क्विक अपडेट, हम जो ये रिंग रोड पे टर्न लेकर आए हैं ना, हमने कुछ 5 किलोमीटर कवर कर लिया है और अनदर 8 किलोमीटर हम कवर करेंगे, जिसके बाद हम मैसूर ऊटी के रोड पे कनेक्ट करेंगे। और मैसूर ऊटी का रोड वही स्ट्रेच होगा जो कि मतलब वो जनरली वहां से फिर जंगल वाला एरिया चालू हो जाता है। सो बस उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रेच बहुत ब्यूटीफुल है यार, इट्स एवरी बिट अमेजिंग। ये देखो विवान पीछे वाली सीट पे मजे से सो रहा है, मैं फटाफट शूट कर रही हूँ, आराम से फटाफट शूट कर लेंगे बाय द टाइम ही इज स्लीपिंग, है ना। सो ये जो नेक्स्ट सामने बड़ी सी साइन बोर्ड दिख रही है ना लेफ्ट के लिए, आपको ऊटी ऑन द लेफ्ट है, मैसूर ऑन द राइट है, सामने भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और हमें लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से। सो ये एक वन वे रोड है, ठीक ठाक है, थोड़ी पैची है। जो कोलेगल वाला हमने क्रॉस किया ना टॉल, उसके बाद का ये रूट का मैं आपको व्यू दे रही हूँ। सो देखिए दूर दूर तक रोड्स एकदम दिख रहे हैं एट अ स्ट्रेच, मस्त दिख रहा है। सो हमारी ट्रिप कुछ 106 किलोमीटर की अभी बाकी है और ऊटी कुछ यहाँ से 86 किलोमीटर है और हम लोग का बस 100 किलोमीटर टू वायनाड। देखते हैं वायनाड कैसा है, काफी नाम सुना है कि काफी खूबसूरत सा जगह है, लेट्स सी हाउ इज इट, है ना। और टाइम प्रॉम्प्ट कर रहा है कुछ 2:30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे, लेट्स सी नाउ। सो वेलकम टू टाउन म्युनिसिपल काउंसिल गुंडलपेट। ये सामने में हमारे मजेदार सा एक्सयूवी 700 जा रहा है, मेरी धन्नो की कॉम्पिटिटर आगे आगे और मेरी धन्नो पीछे पीछे। ये एक्सयूवी 700 देख रहे हैं, मस्त वाली ब्लू कलर में है। But I love the starry night shade a lot more, Mr. DK, to be very... very bad. That's a different color. That's not starry night. It's a normal navy blue shade. हम लोगों की starry night है. It looks almost black. But it's not black. It looks almost black. हमें ना एक छोटा सा डिटोर लेना पड़ा, वहाँ पे कुछ वो रथ यात्रा जैसा जा रहा था, लगता कुछ पूजा से related हो रहा था, तो उसके वजह से ना वो मेन रोड ब्लॉक थी। तो हमें ना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने इंस्ट्रक्ट किया कि आप अंदर अंदर सामने एक्सयूवी को फॉलो करो, मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसको फॉलो करो और मेन रोड पे आके ये मिल जाएगा करके। सो बस वही है, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया है, पिछले हाफ एन आवर से हम इधर ही स्टक हैं, लेट्स सी। सो गुडलुपेट वाला राइट टर्न हमने लिया और उसके बाद हम ये सुल्तान बेथरी वाले रोड पे हैं। रोड काफी अच्छी है अब तक, काफी रोड अच्छी मिली है यार, नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द रोड। ओह माय गॉड कितना सुंदर सा रास्ता ये दिख रहा है ना, देखो कर्वी एंड ब्यूटीफुल।
रास्ते के बीच में लुक एट दोस रेड फ्लावर्स, कितना मस्त है। कोझीकोड, कलकत्ता 62, कोच्चि, एंड ये एक गेट चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली ये जो एंट्री गेट अभी क्रॉस हुआ ना, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाला एरिया में हम एंटर कर चुके हैं। चलो चलो टाइगर को खोजेंगे। चिटू, लेट्स गो एंड फाइंड आउट टाइगर। हमें दिखता तो नहीं है लेकिन खोज तो सकते हैं, कहीं दिख जाए पानी पीते हुए ही सही, है ना? तो हम ट्राई करते हैं कि अगर कुछ स्पॉट हो जाए, सारे दूसरे वाइल्ड लाइफ दिखे वो भी चलेगा, है ना? कोई और वाइल्ड एनिमल ही दिख जाए यार। मैं भी वही एक्सप्लोर करती हूँ। लेट्स कीप इट वेरी स्लो एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जोन वी आर क्रॉसिंग। और मेरा ध्यान रोड के दोनों साइड में, टाइगर, लायन, आओ आओ मुझसे मिलने आओ, आई वॉन्ट टू सी यू। विवान, वेयर इज टाइगर? टाइगर कहाँ है? खोजो, हम लोग जंगल से गुजर रहे हैं। टाइगर, लायन, यार मुझे तो ग्रीनरी इतनी सुंदर लग रही है ना, क्या बोलूं। हिरन लोग ना सबसे जेनरस होती हैं, वो बोलती हैं आओ भाई इतना दूर आए हो मेहनत से, तो मैं तो तुम्हें देख, मुझे तो तुम देख ही लो, है ना? लायन, टाइगर, लायन, टाइगर, विवान भी आपको बुला रहा है, जल्दी आ जाओ, खोजो खोजो, यस खोजो। यार डेंस फॉरेस्ट है ये, एकदम मस्त वाला, बहुत ब्यूटीफुल। निकल जाए नहीं तो पता चला कूद के गाड़ी के अंदर घुस आएगा। विमान, लुक मंकी, लुक मंकी, मंकी मंकी, विमान लुक मंकी, सी सी सी, उधर 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 मंकी बैठा हुआ है। फाइनली ये देखिए, ये हिरन का पूरा टोला, मस्त क्यूटली सब। विमान, लुक देयर, सो मंकी और डियर देख लिया। लुक्स लाइक सामने केरला का चेक पोस्ट आ चुका है और हम केरला में एंटर करने वाले हैं। यार सॉरी, केरला में एंट्री बॉर्डर का चेक नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों ने मना कर दिया नो वीडियो करके, तो आई हैड टू स्टॉप इट, बट वी जस्ट ब्यूटीफुल वेदर, ऑसम है, अच्छा लग रहा है। और टाइम 2 बज गया है, टाइम पार हुआ, पिछले 1 घंटे से हम सनरूफ से बाहर ही निकले हुए थे, बस जंगल के बीचों बीच जो गुजर रहे थे और मजा आ रहा था ना, इट वाज अमेजिंग। वहां पे शायद गाड़ियों को रुक के ना एक्साइज चेक, इसको बोलते हैं एक्साइज चेक पोस्ट, वो वहां पे पुलिस खड़े हैं एंड वो शायद वो लोग गाड़ी को पूरा अच्छे से चेक करते हैं। लेट्स सी। यार बहुत अच्छे थे ना ये पुलिस वाले, चिटू, दे वर सो गुड टू अस। केबिन के अंदर देखा एंड बस हमें अलाउ कर दिया ना, आई थॉट कि वो एटलीस्ट अंदर आके एक बार, मतलब जनरली दे डू दैट राइट, कपल भी रहने से मतलब दे चेक कि क्या है क्या नहीं है।
एंड वैक्सीनेशन वगैरह का भी कुछ सर्टिफिकेशन नहीं मांगा, सो इट्स लाइक कि आप जा सकते हो टाइप का, एकदम हेड्स अप दे दिया फटाफट. आई एम सॉरी अगर मैं इसे रॉन्ग स्पेल कर रही हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी. तो सुल्तान बथेरी बोलते हैं या बेथरी बोलते हैं, मैं शायद से ठीक से उसको स्पेल नहीं कर पा रही हूँ, बट हम इस जगह पे आ गए हैं एंड विल ट्राई टू ग्रैब समथिंग आउट हियर. हम इस होटल में रुके हैं फॉर आवर फूड, खाना वाना अच्छे से खाएंगे मस्त वाला और फिर बाकी की जर्नी कंटिन्यू करेंगे. सो द नेम ऑफ दिस होटल इज आइजैक रिजॉर्ट और ये ना सुल्तान बेथरी में पड़ता है प्रॉपरली. केरला फूड विल बी ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आई एम सो एक्साइटेड, है ना. तो देखते हैं क्या क्या है खाने में एंड हाउ इट गोस. This is how the setup is. ये कुछ हमें आयुर्वेदिक वाटर सर्व किया गया है यहाँ की जड़ी बूटियों को मिलाकर गर्म पानी में, तो वाह केरला वाली फीलिंग आ रही है. तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको आज हम खाने में केरला मील्स मैंने ऑर्डर किया है. सो ये देखिए थाली कुछ ऐसी दिखती है. तो काफी आइटम है यार, ये फिनिश कर पाऊंगी क्या मैं. एंड ये मस्त वाली रेड राइस, दिस इज अ वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ राइस. यू नो अगर वेट वगैरह लूज करना है तो पीपल टेंड टू ईट इट. एंड ये देखिए इनकी फिश करी, मुझे तो भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, मस्त वाला लंच था. यहाँ की एक चीज मुझे फील हुई, सुल्तान बथेरी में हम रुके लंच के लिए, आइजैक रिजॉर्ट था नेम ऑफ द प्लेस. काफी वार्मिंग है ये लोग टूवर्ड्स गेस्ट एंड टूरिस्ट, इतने अच्छे से मतलब बात कर रहे थे, कहाँ से आए हो, क्या है प्लान्स, क्या है एंड ऑल ऑफ इट, मतलब बहुत अच्छे से एक विच आई सॉ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, टूरिस्ट को इतना रिस्पेक्ट देना एंड ऑल ऑफ इट. तो जहाँ भी फिर एक टॉय शॉप में गए तो वहाँ भी बंदे बात कर रहे थे कि मतलब क्या है, तो गुड गुड टू सी दैट. देखिए दोनों तरफ एज यूजुअल ग्रीनरी ग्रीनरी का, तो मतलब हमें आज ट्रीट मिल गया यार, मतलब और मस्त वाला ट्रीट, क्या ही बोलूं. जंगल पे जंगल क्रॉस किए हैं हम लोग एंड द वार्म वेलकमिंग एटीट्यूड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द टूरिस्ट इज व्हाट मेक द प्लेस मोर स्पेशल. तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इट्स एवरी बिट ब्यूटिफुल, अमेजिंग है. तो ये एक नॉर्मल मार्केट्स एरिया से हम क्रॉस कर रहे हैं, मीना गाड़ी इज द नेम ऑफ द प्लेस. यस ये देखो यार ये माउंटेन, मैं ट्राई करती हूँ जूम, यार देख रहे हो ये माउंटेन, ऐसा लग रहा है मैं सीनरी दिख रही हूँ, इतना खूबसूरत दिख रहा है क्या यार, इट्स सो ब्यूटीफुल, मैंने मेरी आंखों से देखो यार, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो मस्त वाले रास्ते कंटिन्यूज यार. केरला ने ना मुझे जो बोलते हैं ना 0.0005% भी डिसअपॉइंट नहीं किया, अमेजिंग लग रहा है यहाँ के, वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस. और वेदर भी काफी अच्छा है, मस्त वाला वेदर है और देखते हैं. स्टिल हमारे रिसोर्ट को पहुंचने के लिए कुछ 4 किलोमीटर का रास्ता है एंड कुछ 10 मिनट का रास्ता दिखा रहा है. सो लेट्स सी माउंटेन, अमेजिंग है. बनाना प्लांटेशन, अरे हाँ मेरे केरला के जितने कलीग्स या फ्रेंड होते थे ना चिटू, दे यूज्ड टू गेट बनाना चिप्स, अ लॉट ऑफ बनाना चिप्स. आपके भी कोई फ्रेंड्स होंगे तो जरूर लेकर आते होंगे ना, केरला से आए तो बनाना चिप्स इज अ मस्ट. और आपको एक और अच्छा सा सीन दिखाती हूँ, जस्ट लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यार, ये क्या ही बोलूं. स्पेशली वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वो बादल उसको टच कर रहे हैं, वो
बहुत खूबसूरत व्यू दे रहा है. इट्स ब्यूटीफुल. अब समझ में आ रहा है इसको गॉडसन कंट्री क्यों बोलते हैं. बहुत ब्यूटीफुल है. सो हम लोगों का रिजॉर्ट कुछ 450 मीटर्स पे है एंड थोड़े कच्चे से रास्ते हैं, बट इट्स ओके. थोड़ी सी ऑफ रोडिंग. सो कौन बोलता है अल्काज़ार ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है. एकदम परफेक्ट है, आराम से चल रही है हमारी धन्नो इन बुझे बुझे से रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चल रही है. विमान सिट आराम से, नहीं तो गिर जाओगे. एक्चुअली वो माउंटेन के आसपास रखने के चक्कर में ना, आई थिंक स्लोली दे विल वर्क ऑन दिस रोड एज वेल टुवर्ड्स द लेफ्ट. या देख रहे हो. सो फाइनली टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम अपने अमरेजी रिजॉर्ट्स एंड स्पा में एंटर कर रहे हैं. कांट वेट टू हैव अ व्यू एट माय रूम. तो आइए चलिए क्विकली मैं आपको एक बार रूम टूर दे देती हूँ और फिर आप ही डिसाइड करना वेदर दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग ऑन ऑर. हियर इज द बिग बिग मिरर एज यू कैन सी. टेलीविजन, उसके नीचे एक डिसेंट साना शेल्फ दे रखा है कि आप अपना कुछ भी सामान बुक वगैरह रख सकते हो. ये हमारी लगेज यहाँ पड़ी हुई. एक छोटी सी डस्टबिन दे रखी है और ये यहाँ थोड़ा सा बेसिक सा सिटिंग अरेंजमेंट, एक वुडन चेयर है ना, और ये पूरे कर्टन में ढके हुए हैं. देखो ऑल द साइड्स टू जस्ट यू नो मेंटेन दैट प्राइवेसी. एयर कंडीशन, पीछे में भी ब्लाइंड्स हैं और ये हमारा किंग साइज बेड. मस्त है यार, मुझे लाइटिंग और इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे. आई विल जस्ट शो यू द वॉशरूम. वॉशरूम देखिए मस्त सा है, नीट क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक है ना. सो ये देखिए, सो ये क्लोजेट है. सो आइए चलिए दिखाते हैं आपको मेरे रूम से आज का जो जबरदस्त वाला व्यू है. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल द व्यू फ्रॉम द बालकनी ऑफ माय रूम इज. इतना खूबसूरत है यार, मतलब देखो एकदम ग्रीनरी से ढके हुए पहाड़ एंड उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल सा कॉटेज. माउंटेन देख रहे हो, वो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. सो हियर वी आर एट द होटल रेस्टोरेंट टू हैव आवर डिनर. तो हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है डिनर में. काफ़ी सारे वैरायटीज तो दिख रहे हैं, लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ देम. सो हमने बुफे का एक्चुअली ऑप्शन सेलेक्ट किया है एंड दस यहाँ पे पूरा अच्छा खासा आइटम वेराइटीज इट्स कम्प्लीटली लेड डाउन. सो लेट्स सी. वाह चपाती है, आई एम हैप्पी. था पिकल, फ्राइड राइस, सो काफ़ी सारी आइटम यार जिसको जो खाना आप खा सकते हो. There's fish mango curry, chicken do pyaza. I think my hubby will be definitely opting for this chicken do pyaza. And there is a bowl for fruits. And here comes my favorite section, gulab jamun. है ना. और एक रेस्टोरेंट का ओवरव्यू देती हूँ आपको. सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स लाइक. तो चलिए हम फटाफट डिनर निकालते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या खा रहे हैं. हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर हैविंग टुडे फॉर डिनर, है ना. सो इस
अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस डिनर के साथ हम अपना व्लॉग भी आज का यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये व्लॉग अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब मिलेंगे फिर एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।